A very good morning to all of you, students. I am Abdul Nazar. Today we will start computer. So, students, the chapter is Introduction of Computer. This is first chapter. Introduction of Computer. So, students, before starting the chapter, I would like to inform you that please take books from our school because online classes has been started from yesterday. So all of you collect your books from our school. Let me clear in you also. Student, aapko jisne bhi books purchase nahi kiya wo sabse pehle books ko purchase kar lo, books ko collect. These are the parts of computer. So all parts make a computer. First, monitor, CPU, keyboard, and mouse. So these are the parts of a computer. The four parts make a computer: monitor, CPU, keyboard or mouse. तो ये चारों parts इसमें ये चारों parts जब बन जाते हैं सब तो एक computer बन जाता है. Computer में ये एक computer को चलाने के लिए चार ही parts important. जितना important monitor है उतना important CPU है उतना important keyboard है और उतना important mouse है. चारों के बगैर हम कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते. सो स्टूडेंट, आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर इज दिस. अब हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे. सो आप लोग इन योर कंप्यूटर बुक फर्स्ट चैप्टर. स्टूडेंट, मशीन आर मेड बाय मैन. It makes our work easy. मशीन को किसने बनाया था? मशीन को आदमी ने बनाया. मशीन को बनाने का मेन मोटो जो था, मुख्य उद्देश्य जो था, वो काम को जल्दी करने के लिए बनाया गया. जाते हम देखते हैं कि एक गड्ढा करने के लिए आप लोगों को एक कुआं को खोदने के लिए So see, machines are first
इसकी जो कार्य करने की क्षमता है जो है इसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा हाई है आदमी के मुकाबले। सेव आवर टाइम, ये हम लोगों के टाइम को काफी ज्यादा बचाता है। मशीन रन ऑन पावर, जैसे हम लोग जीने के लिए हम लोग बुक करने के लिए चलने के लिए दौड़ने के लिए जैसे हम लोग के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे भोजन हम लोग क्या लेते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही मैसी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, पावर एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो उसको अलग अलग तरह से सोर्स है। कैसे, जैसे कुछ मैसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कुछ मैसी डीजल से पेट्रोल से फ्यूल से चलता है, और कुछ मैसी जो है वो ह्यूमन पावर से चलता है। तो सबसे पहले जो